सुबह सुबह कलर करेक्शन सीखूंगा। अभी सुबह सुबह मेरा एक फ्रेंड से बात हो रहा था यार, अंकित मेरा फ्रेंड है देहरादून से जो इनटू फिल्म मेकिंग है। तो उसने मेरे को सामने से भेजा एक ऐसा उसने फुटेजेस भेजा और बोला कि आपको इस पे करना चाहिए। मैंने उसको बताया जब मैंने नया कैमरा लिया था तो मैंने बहुत ट्राई किया था, बट अभी उसने मेरे को एक कलर करेक्शन का वीडियो भेजा। क्योंकि कलर करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे को याद है मैन्युअली बहुत टाइम लगा था। वो वीडियो से मैं अभी करके देखूंगा। लाइट गया हुआ अभी घर पे तो वाईफाई चल नहीं रहा, मेरे को लट्स थोड़े से डाउनलोड करने पड़ेंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव मॉर्निंग स्टार्ट करने का मैंने प्रयास किया है, लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मैं तो बताता हूँ सारे कैसे, बढ़िया बहुत सही मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो अभी लाइट आएगा, लट डाउनलोड करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ करने का, फिर तुमको रिजल्ट बताता हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। अभी तो भाई का टैटू देगा कि नहीं। टैटू का मतलब, टैटू का प्रोसेस लास्ट व्लॉग में तुम लोग जाके देख सकते हो। चाबी गाड़ी का नहीं, स्कूटी का ले लेते हैं। दही पड़ा हुआ है, देखो इधर ही पड़ा हुआ है, डोरमैट जैसा। आज सुबह को हम जब बाहर गए थे सुबह सुबह एकदम, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा था जिसमें कैट्स को ओनर जब घर पे ऐसे छोड़ के जाते हैं तो बहुत म्याओं म्याओं करते हैं। बोला था हमारा तो आलसी है, हमारा नहीं करेगा। देखा तो मैंने बंद किया तो जोर से चिल्ला रहा है अंदर। मैंने बोला सुनना है तुमको, इसके लिए मैंने कैमरा सेट किया, उतरया चिल्लाया ही नहीं, पोपट किया इन शॉर्ट उसने। नहीं तू खा, तुम्हारे लिए कोक लेके, मेरे लिए अंदर एक प्रोटीन वाटर रहेगा। दिस फकिंग थिंग सेम एज IKF 11 भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ के बच्चे इतने अनोइंग। वो मेरे को पता है। ओह क्यों है? अरे बच्चे रो रहे अंकल के पास, अरे मेरे छोले कुलचे दे दो ना, अरे दे दो ना, मैं चली जाऊं, अरे दे दो ना। बच्चे छोड़ो, पेरेंट्स क्यों रो रहे हाँ? कि मेरा बच्चा है दे दो ना। और अरे मैं कभी इतना बचपन में बात नहीं किया, अपने दोस्तों से नहीं किया। अरे उसने मेरे पूरे बचपन का कॉन्वर्सेशन छोले कुलचे वाले के साथ कर लिया। शीश, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? तुमको पता है मैंने कम से कम 8 बच्चों के बाद ऑर्डर दिया रहेगा। मैंने बोला भाई इन लोग को रो लेने दो, बाद में मैं करता हूँ, चलेगा खत्म हो जाएगा, बट इनके बीच में घुसने का हिम्मत नहीं मेरी। मैं दे हूँ क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट है। फिलहाल हम लोग अभी निकल रहे हैं, हम लोग को निकलना था, पहुंचना था 7 बजे तक, जो यहाँ से 1 घंटा दूर है, बट हम लोग 7:30 को निकल रहे हैं क्योंकि हम सो गए थे, क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे। मैंने कलर करेक्शन भी सीखा, वो चीज़ भी मैं तुमको घर जाके बताऊंगा, पहले हम लोग इवेंट चले जाते हैं। क्या बोलते मामा, सेक्सी बन के बाहर है। क्या हो गया आज तुमको शेरा? तुमको ना संदूक में बंद करके लाएंगे आगे से। बैठो। वैसे मेरे को व्लॉग डालना था 3 दिन पहले, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि शायद मैं मूड में नहीं था। पर मेरा एक चीज बहुत अच्छा है,
अगर मैं मूड में नहीं रहता हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो डालने के लिए वीडियो डाल नहीं देता। मतलब मैं जब भी तुम लोग से मिलने आता हूँ मेरा फुल मतलब ऐसा मन रहता है, ना मैं सैड था ना मैं खुश, मैं बस पड़ा हुआ था इन दिनों। और मेरे को याद है मैंने 3 दिन पहले तुम लोग से बोला था कि मेरा ये आउटफिट एकदम ज्यादा मतलब बेस्ट है, तो मेरे को वो दिखाने का था तुम लोगों को कुछ भी करके। इसके लिए मैं वापस से वो आउटफिट पहन के आया हूँ और मेरे को कलर ग्रेडिंग का भी दिखाने का था। देखो मेरे को पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं घर के नीचे जाके भी अगर शूट कर लेता और कलर ग्रेड कर देता तो वो लोग बोलते कि अरे भाई क्या सही किया क्या सही किया। बट मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, जब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुमने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है और इतना मेरे को तुम लोग प्यार करते हो, तो मेरा इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके अपने साइड से 100% दूं ताकि मेरे को भी सैटिस्फैक्शन रहे। तुम लोगों को तो सैटिस्फैक्शन मेरे को देख के ही मिल जाता है। आई नो दैट आई एम प्रिटी, बट देन सिंस यू गाइज आर प्रिटी एज वेल, सो आई शुड पुट माई 100% इन वट एवर आई डू। तो इसीलिए मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ। चांदनी चौक में थोड़ा सा मेरे को कलर करेक्शन करने में मजा आएगा ऐसा लग रहा है, और 4 बजे के आसपास निकल रहा हूँ क्योंकि 4 बजे का धूप यहाँ पर एकदम ऑरेंज हो जाता है, नाइस हो जाता है। तो होपफुली कलर करेक्शन भी अच्छा होगा, मैं ट्राई करूंगा। अच्छा खासा मैं थोड़ा सा सीख गया हूँ, देखते हैं। तुम लोग को अटायर भी बता दूंगा, रील पे भी डाल दूंगा। कुछ ही नहीं भाई लोग, अभी हम लोग रुके हुए फिलहाल विशाल के लिए क्योंकि चांदनी चौक में बैटरी वही बताएगा बोला। क्या वो बताएगा नहीं, वो शॉप में लेके जाएगा। हाँ वही शॉप में लेके जाएगा, एक ही बात हुआ ना यार। उसकी दुकान है चांदनी चौक। कुछ भी मत कर। क्यों? हाँ ये किसी ने तेरे पास ये सब करने के लिए। एक काम कर, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे पहले से। खामोश गौतम गए बूंदो मैं कैसे चेहरा तेरा दिख सके, देश मार पागल सा इश्क तेरा मुझे ढूंढा। अरे कितना नाइस लग रहा है। हाँ ना, चले महाराज। कसम से मेरा पूरा मन था कि मैं कलर ग्रेडिंग करने के लिए अच्छा सनलाइट ले लूं, बट अभी मैं यहाँ पर ट्रैफिक में मतलब पार्किंग में फंसा हुआ हूँ चांदनी चौक के। तुम अगर देख रहे हो तो गाड़ी इतना पास अटका हुआ है मेरा और कोई आता नहीं है। कैमरा बहुत अच्छा लिया। अच्छा हाँ, थैंक यू। लेटेस्ट है। हाँ थैंक यू। तो टैमरॉन का लेंस लिया आपने? हाँ टैमरॉन का लिया। इसके लिए एक्सपेंसिव है काफी लेंस। हाँ बहुत ज़्यादा, सोनी का एक्सपेंसिव हो जाता है इसके लिए। हो गया ना? ठीक है ना, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, सेम ही चलेगा ना वैसे। तुम लोग लेजिट मानोगे नहीं, मेरा प्लान था कि मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और एयरपोर्ट पे शूट करके एडिट करके अपलोड करूंगा। इतने घाई घाई में निकला मैं अपने लैंडलॉर्ड से भी नहीं मिल पाया कि मेरा फ्लाइट तुरंत था। एयरपोर्ट जाके पता चलता है कि मेरा फ्लाइट डिले हो गया है। मतलब मेरा ही मिस्टेक था, मैंने मेल लेट चेक किया इसके लिए। और मैं वापस आया हूँ यहाँ पर, अभी एडिट करने बैठूंगा, है कि नहीं? मस्त मजा आया 2 चक्कर लगा के। मैं आज के अपने कंटेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना? मेरा कलर करेक्शन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ इसको और रेगुलर रखूँ। तुम लोग भी मेरे को बताना कैसा लगता है। तो अभी व्लॉग एंड होने के बाद पूरा कलर करेक्शन वाला, कलर करेक्शन नहीं कलर ग्रेडिंग बोलते हैं, कलर करेक्शन होता है पिक्चर्स पे, वीडियोस पे कलर ग्रेडिंग होता है, कलर ग्रेडिंग वाला जो भी है, तुम लोग जैसा भी है देख के मेरे को बताना तुम लोगों को कैसा लग रहा है कि नहीं? काफी मेहनत की है, बहुत दूर तक गया तुम्हारा भाई। यहाँ से और दूर जाके मजनू का टीला में नाइट का शॉट लेने के लिए भी गया, है कि नहीं? बाकी तुम्हारा भाई यहीं पर तो जीतता है यार, है कि नहीं? मानता है कि नहीं? जो भी है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या करना है, तुम लोग करने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। आईब्रो ऐसा कर रहे हो, किसी को दिख नहीं रहा है। फिर आईब्रो करके दिखा, करके दिखा के ऐसा कर रहेगा। हीरो बनना, हीरो बनना इम्पोर्टेंट है।
मैंने आउटफिट दिखाया नहीं था ना, आउटफिट अभी देख लो क्योंकि अभी कलर करेक्ट करके मैं ये बताने वाला हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग आउटफिट यहाँ पर देख सकते हो। इतना ज्यादा शर्म मेरे को जिंदगी में कभी नहीं आया। तू इधर, तेरे वजह से मेरे को शर्म आ रहा है। तू जिस तरीके से देख रहा है ना, उसके वजह से मेरे को शर्म आ रहा है। चलो बेटे।